यहीं से जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपने बता दिया था कि एक रेंज देखने को मिलेगी, एक रेंज में ही हमने कारोबार होते हुए भी देखा। हमने रिसेंटली सोयाबीन में 6450 तक के हाइज लगते भी देखे। आपको क्या लगता है, अगर सोयाबीन एक बार फिर से 6400 के ऊपर निकलती है तो क्या आगे अच्छी तेजी बनेगी, या फिर अभी भी सोयाबीन एक रेंज में ही रह जाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में तो तेल तिलहन बाजार में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब जैसे क्रिसमस है, न्यू ईयर ईव है, तब थोड़ा हॉलीडेज देखते हैं, जिससे कि वजह से कामकाज थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जनवरी में सोयाबीन 7000 या उसके भी पार जाती नजर आ सकती है? देखिए, सोयाबीन में मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर तेजी का ही रुख कायम रहेगा। इंटरनेशनल में, डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा कि बार बार में गवर्नमेंट की जो एक्शन ली जा रही है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, उसी के तहत हमने प्राइजेस के अंदर बार बार में करेक्शन भी आते हुए देखा जी। तो आई थिंक 6400-6500 के ऊपर प्राइजेस होल्ड करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, और नीचे में 5800 के नीचे भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर उछाले पे बेच के ही चलना चाहिए, सॉरी एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी क्या हो रहा है कि बायोफ्यूल के चलते या क्रूड की तेजी के चलते पाम ऑयल में तेजी बनी हुई है, और पाम ऑयल की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी रहता है। बट ध्यान रखिए, इंडिया में सबसे बड़ा जो क्रॉप हम बोलते हैं मस्टर्ड की, ये जल्द हम फरवरी मार्च में हीट होते हुए देखेंगे, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है साइड में ही रहेगा प्राइजेस में, कोई भी बड़ा पोजिशन बनाने से बच सकती है जी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।